सबसे पहले रुख बिहार का, जहां पर सारण में ईसुआपुर और मशरक थाना क्षेत्र में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से अब तक 60 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मामले की जांच के लिए SIT बना दी गई है, लेकिन बीजेपी सड़क से सदन तक संग्राम कर रही है। वहीं बिहार के CM नीतीश कुमार और डिप्टी CM के बयान को भी बीजेपी ने जमकर उसका पलटवार किया। बिहार में शराबबंदी को लेकर अक्सर विवाद बना रहता है, क्योंकि बिहार से अक्सर इस तरह की खबरें सामने आती रहती हैं, जहां जहरीली शराब से लोगों की मौत हो जाती है। और इस बार ये मामला सारण के छपरा से सामने आया है, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। कई लोग अस्पताल में मौत से जंग लड़ रहे हैं। आलम ये है कि कई गांव में मातम छा गया है। छपरा के बहरौली गांव का भी ऐसा ही हाल है, जहां एक साथ 11 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हो गई है। 4 जगह सबसे ज्यादा मौतें, ईसुआपुर, अमनौर, मशरक और मरोरा के कई गांव की उन्हीं महिलाओं के आंखों के आंसू आज नहीं सूख रहे हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है। बताया जा रहा है कि इन 4 जगहों पर जहरीली शराब से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। CM और डिप्टी CM क्या कहते हैं? बिहार में 2016 में नीतीश सरकार ने शराब की बिक्री और सेवन पर बैन लगाया था। शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब से मौत के मामले में नीतीश कुमार सरकार बैकफुट पर है। CM नीतीश लगातार एक ही बात बोल रहे हैं कि पियोगे तो मरोगे, जिस पर बीजेपी को मौका मिल गया है, वो सरकार पर निशाना साध रही है। वहीं डिप्टी CM तेजस्वी यादव भी इस मुद्दे पर ज्यादा कुछ नहीं बोले। पिया तो मरा, मत पियो, मरोगे, इसका तो और ज्यादा हम प्रचार करवाएंगे। तो दारू पी के मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता, ये कभी मत सोचिए। नहीं, अगर यही करना है तो सब मिलके तय कर लीजिए। खूब कहिए कि शराब पियो, इसलिए ये सब बात ठीक नहीं है। पिएगा गड़बड़ पिएगा, मरेगा, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, हम इसके आग्रह करेंगे। आई कैसे होगा? कम्युनिस्ट पार्टी भी आखिर इसके पक्ष में है, शराब के सख्त खिलाफ है, इसलिए सब चीज का ध्यान रखिए। और आप लोग तो मान लीजिए कि नए हैं, हम लोगों का रिश्ता आज का नहीं है, बहुत पुराना रिश्ता है। हम लोग सोशलिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, सब का रिश्ता कितना है हम आपको ऐसे ही बता दें। जब हम पार्लियामेंट का चुनाव लड़ते थे और पार्टियां साथ नहीं थी, फिर भी सारे CPI CPM के लोग हमको मदद करते थे, इतना ज्यादा हमारा संबंध है आज का ही। आज घर पैथोलॉजिकल डायग्नोस्टिक सेंटर वैध रूप से संचालित है, अवैध रूप से संचालित संस्थानों की जानकारी प्राप्त होने पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। राजरानी नर्सिंग होम अवैध पाया गया है, जिसे तात्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। माननीय सदस्य, जहां तक माननीय सदस्य, नर्सिंग होम का ऐसा आश्वासन दिया गया है कि वहां बिहार की जनता का इलाज ही बिहार की। बीजेपी सड़क से लेकर विधानसभा और संसद तक इस मुद्दे पर नीतीश सरकार पर निशाना साध रही है। वहीं बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने इसे लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश में करोड़ों लोग शराब पीते हैं, क्या ये सब मर जाएं? सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार पहले कहते थे कि जो शराब पीता है वो महापापी है और वह भारतीय नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि बिहार में जहाँ शराबबंदी है, वहाँ जहरीली शराब के सेवन से लोगों की मौत हो रही है, ऐसे में मुख्यमंत्री द्वारा इस तरह की टिप्पणी अनुचित है। जांच के लिए SIT का गठन। जहरीली शराब पीने से मरने वाले लोगों में
ईसुआपुर और मशरक थाने के कई गांव के लोग हैं। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पूरे सारण जिले में छापेमारी हो रही है। अब तक 126 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि उन्होंने यह बताने से इनकार कर दिया है कि क्या गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में वह लोग भी शामिल हैं जो ताजा मामले में सीधे तौर पर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मामले की अभी भी जांच चल रही है और इस स्तर पर ज्यादा खुलासा करने से मामले में बाधा आ सकती है। इतना ही नहीं, मामले में मशरक पुलिस स्टेशन के SHO और एक स्थानीय चौकीदार को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा मरहौरा के सब डिविजनल पुलिस अफसर के ट्रांसफर की सिफारिश की गई है। उनके खिलाफ विभागीय जांच की मांग की गई है। DM और SP ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि जिन्हें इस बारे में जो कुछ भी जानकारी है वो लोग बिना डर के आगे आए और पुलिस को जानकारी दें। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।